लास्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ पे डीवीडी क्रिएट करना सिखाया था ब्लेंड टूल के यूज से, कि आप किस तरीके से कोई भी सीडी डीवीडी को इजीली क्रिएट कर सकते हो। आज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों, आज हम पॉलीगन शेप टूल से हम यहाँ पे यूज करेंगे फुटबॉल। हमें क्या बनाना है, फुटबॉल यहाँ से लेना है पॉलीगन। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका 6 रखना है, ध्यान रखना। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ करना है, पॉलीगन प्रॉपरली इस तरीके से आप ड्रॉ करो, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब फिर आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है डुप्लीकेट, इसको एग्जैक्ट क्या करना है, इस लाइन की साथ कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद सेम आपको बाहर कहीं पे क्लिक नहीं करना, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंटिन्यू करते हुए चले जाना, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको इस पूरे पॉलीगन को वन टाइम में सेलेक्ट कर लेना है, अगेन कंट्रोल डी, नीचे रखना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जूम करेंगे, जूम करके इसको यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, परफेक्टली यहाँ पे क्या हुआ हमारे ये सेट नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे कि आप यहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर आपको कंट्रोल डी दबाते हो चलना कंटिन्यू, फिर प्रॉपर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी होता है ग्रुप करना, ये सारा का सारा हमारा ग्रुप हो जाएगा, पॉलीगन हमारा ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे एक बार में। फिर आपको यहाँ से इलिप्स टूल लेना है, किसी भी एक पॉलीगन के सेंटर में आप इस इलिप्स को सेट कर दोगे दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। इसको सेट करने के बाद एक टूल लेना है, वापस पूरे को सेलेक्ट, यहाँ पे कमांड होती है वेल्ड ट्रिम, थर्ड हम कमांड यूज करेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से क्या होगा, जो हमने शेप ओवल बनाया था उसके अंदर वो एरिया हमारा कनेक्ट हो जाएगा, आ जाए, बाकी को आप डिलीट कर दोगे। इसके बाद कंट्रोल यू होता है अनग्रुप, और जो ये आपका एंडिंग वाला पॉलीगन है इस पर वन टाइम क्लिक करना है, इसके अंदर आप ब्लैक कलर फिल कर सकते हो। आप कलरफुल भी फुटबॉल बना सकते हो, या फिर मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बना के दिखा रहा हूँ। वन बाय वन एक पॉलीगन को छोड़ के एक के अंदर आपको क्या करना है, ब्लैक कलर को फिल कर दो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो आपके पास सिंपली एक फुटबॉल बन के तैयार हो चुका है। जब ये पूरा बन जाए आपका कलरफिल हो जाए, तो कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा 3D शेप के अंदर मेरे को डिजाइन देना है, क्लिक करना है, फिर आपको जाना है इफेक्ट, यहाँ पे हमारे पास कमांड होगा 3D इफेक्ट। आप यहाँ पे इसको स्पेयर पे क्लिक करोगे, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी 3D शेप में इसको डिज़ाइन दे सकते हो, स्पेयर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ, 25 करके देखता हूँ मैं कितना आता है इस पर। देखो दोस्तों 25 पे इतना नजर आया, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपकी एक फुटबॉल बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।